का, जहां प्रधानमंत्री इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा। आज देश सदियों की साधना की, पीढ़ियों के बलिदान की सिद्धि को सेलिब्रेट कर रहा है। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी ये उपस्थिति, ये जनसैलाब महान ब्रह्मपुत्र के विस्तार से कम नहीं है। और मैं तो देख रहा हूं ये पब्लिक मीटिंग 3 मंजिला है। एक तो लाखों लोग मेरे सामने बैठे हैं, दूसरे हजारों लोग उधर सामने ऊपर बैठे हैं, और तीसरे सैकड़ों लोग ऊपर ब्रिज पर खड़े होकर के सभा सुन रहे हैं। यानी शायद ये पहली सभा होगी जो 3 मंजिला सभा हो रही है। 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। दिखता है कि नहीं दिखता है? 4 जून क्या होने वाला है ये आज पूरा देश देख रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून, 4 जून, जरा पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए। 4 जून, 4 जून, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, शारी जून, शारी जून, आको ये बार, आको ये बार। साथियों, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया, और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी बोहाग बिहू के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे, और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे।
अगले 5 वर्षों तक आपको मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा, बिना भेदभाव मिलता रहेगा। आप मुझे बताइए, एनडीए सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? साथियों, अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी घोषणा की है, जिसका लाभ देश के हर घर को होगा, और वो भी बिना भेदभाव के होगा। आप जानते हैं, हर परिवार में आजकल दादा दादी पिता माता 70 साल के ऊपर के लोग परिवार में होते हैं, और उनको कोई भी तकलीफ हो तो परिवार के संतानों पर बोझ पड़ता है। बेटे के सारे प्लान बिगड़ जाते हैं अगर पिता दादा माता को कोई बीमारी आ जाए। अगर बेटी की शादी का प्लान बना दिया है और अचानक पता चले कि पिता को बहुत गंभीर बीमारी आई है, माता को गंभीर बीमारी आई है, तो बेटी की शादी का प्लान ही बिगड़ जाता है। तो असम के नलबाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा को यहां संबोधित कर रहे हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार